अज आपां मनुखी अख दे दोषां दे बारे जानकारी प्राप्त करांगे। मनुखी अख दे विच दो दोष, निकट दृष्टि दोष ते दूर दृष्टि दोष। अंग्रेजी दे विच असीं इन्हां नूं कहिंदे आ मायोपिया ते हाइपरमेट्रोपिया। ये बारे आप गल करा तो निकट दृष्टि, इस तो सानू सहजे पता लगता है कि नेड़े दियां चीज़ां नू देख सकते हैं पर दूर दियां चीज़ां साफ दिखाई नहीं दिंदियां। तो इस दे विच की हुंदा है, रेटिना दे विच जेड़ा लेंस दे बाद प्रतिबिंब बनता है, वो जेड़ा प्रतिबिंब है रेटिना के उपर बनन तो बजाए उस तो पहला ही बनना शुरू हो जाता है। जे आप इस तरह कही तो लेंस के नेड़े बनना शुरू हो जाता। तो इस दे विच की हुंदा, ये जेड़ा प्रतिबिंब है ये दूर बनना शुरू हो जाता। इस दे विच असी दूर दियां चीज़ां साफ देख सकते हैं पर नेड़े दियां सानू साफ नहीं दिसदियां। इस दे विच असी नेड़े दियां साफ देख सकते हैं पर दूर दियां चीज़ां सानू साफ नहीं दिसदियां। तो इन्हां नू ठीक करन दे लई तां तुसी किहड़ा लेंस वरतदे हो? तो इत्थे जिहड़ा लेंस है असी अवतल वरतदे हाँ, तो इत्थे जिहड़ा लेंस है असी उत्तल, भाव कहन तो कि जिहड़ियां असी एनका लगांदे हाँ उस दे विच किहड़ा लेंस वरत्या जांदा। तो जे तां साडा निकट दृष्टि दोष है तो असी किहड़ा लेंस वरतदे हाँ? अवतल लेंस। जे दूर दृष्टि दोष नू ठीक करना है तो असी किहड़ा लेंस वरतदे हाँ? उत्तल लेंस। तो ये उत्तल लेंस है जिहड़ा, ये फिर जिहड़ियां किरणां जिहड़ियां ये आ रही सी इन्हां नू रेटिना दे उपर लियाण दे विच सक्सैसफुल हो जांदा। तो इस तरह ही ये जिहड़ा लें प्रतिबिंब नेड़े बन रहा सी इस नू जिहड़ा अवतल लेंस है ये दूर ले जाण दे विच सफल हो जांदा। हुण याद किस तरह रखांगे असीं? निकट निकट अवतल दूर उत्तल। तो इस दे विच मैं एक छोटी जी गल बनाई है याद रखन दे लई कि जे इस दे विच अक्षर घट हन तां घट अक्षर, इस दे विच घट अक्षर हन इस दे विच ज़्यादा हन, तो इस दे विच ज़्यादा अक्षर हन तां ज़्यादा अक्षर वाला लेंस असीं यूज़ कर लैंदे हाँ। ये याद रखन लई है। तो आओ तुसीं इस ते गौर फरमाओ। थैंक यू।